हेलो दोस्तों, मैं अमित अशोक पवार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मेक माय टिप्स में। दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजीज भी लेके आऊँगा, तो आज हम सीखेंगे लाइव मार्केट में सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करके या फिर सिंपल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ले चलता हूँ आपको मेरे चार्ट्स पे। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, उसका फायदा आप उठा पाओगे। तो आइए दोस्तों, ये आ चुके हैं हम अपने बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आज का ट्रेड मैंने किस प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया हुआ था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको मेरे ट्रेड्स भी दिखाऊंगा और साथ बाय साथ मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी बताने वाला हूँ। इंट्राडे में काम करने के लिए आपको रिसेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मतलब जो कि मेजर सपोर्ट है या फिर मेजर रेसिस्टेंस है, जहाँ पे आके निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक हर्डल ले सकता है या फिर रुक सकता है या फिर वहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो आज की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रैली शुरू हुई थी कई दिनों पहले, ये वाली रैली की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ था। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने की कोशिश करूँगा तो मुझे सबसे पहला जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं, वो मैं इसको मान सकता हूँ। अभी इसको ही क्यों, क्योंकि रैली जो थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसके पहले वाली रैली थी वो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे छोटी एक करेक्शन आई थी और इस वाले कैंडल से फिर से एक दोबारा रैली आई थी। तो अभी यहाँ पे मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो ये देखो, ये हो गया मेरा मेजर सपोर्ट। अभी आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो कंटिन्यूसली चार दिन बैंक निफ्टी डाउनफॉल में रह चुकी थी और आज बैंक निफ्टी की वीकली की एक्सपायरी भी थी। तो यहाँ पे हाई चांसेस थे कि, मतलब देखो, मंडे से अगर मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी गिर रही है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आज रिवर्सल आ सकता है, और हम वहीं पे भी थे जहाँ पे हमारा मेजर सपोर्ट था। तो एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से आज मार्केट रिवर्स हुई है। लेकिन ये तो अभी आप बोलोगे कि अभी चार्ट खत्म हो चुका है, आप अभी बोल सकते हो, तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड एक्चुअली किस बेसिस पे किया था। जाएगा और हम इसे मार्केट रेट पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैंने मार्केट सिलेक्ट किया हुआ है, MIS है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और करंट रेट चल रहा है 0.75 पैसे, और ये मैंने कर लिया इसको बाय। आइए दोस्तों, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने एंट्री एक्चुअल में किस बेसिस पे ली थी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्केट ओपन होते ही पहले ही मिनट में बैंक निफ्टी ने एक बड़ी रेड कैंडल बना दी। सबसे पहले मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि मतलब क्या हुआ था। ये देखो, पिछले चार दिनों से कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल में मार्केट थी, ठीक है।
आप अभी यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। आज थी एक्सपायरी और मार्केट खुली थोड़ी सी ऊपर और वहाँ पे मोरूबोजू कैंडल बनाने के बाद तुरंत वो नीचे लेके आ गई, ताकि मतलब लोगों को ये लगे कि यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने एक मेजर जो रेसिस्ट मेजर जो अपना सपोर्ट था वहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऑलरेडी रखी हुई थी। तो मैंने मार्केट ओपन होने के बाद कोई ट्रेड लिया नहीं था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पे मतलब रिवर्सल कब दे रहा है। तो मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली 10 मिनट तक गिर रही थी। मैंने वहाँ पे कोई ट्रेड एस्टेब्लिश नहीं किया था, ना ही कोई मतलब एक्शन लेने की कोशिश करी थी, मैंने सिर्फ उसको वॉच किया था। उसके बाद एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट ने एक अच्छी खासी एनगल्फिंग कैंडल, आप इसे बोल सकते हो, जो कि एक मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पे एक एनगल्फिंग बनाई और एग्जैक्टली उसी लेवल से उसने अपना बेस बना दिया। लेकिन अभी मुझे तो ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में आज का लो लग चुका है या फिर ये बेस मतलब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैंने इंतज़ार किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती रही और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाते हुए वो ऊपर जाने लगी थी रिवर्सल के बाद। तो वो भी एक इंडिकेशन आप मान सकते हो कि यहाँ पे मतलब रिवर्सल आने की संभावना है, लेकिन हमें कन्फर्मेशन चाहिए, है ना। उसके बाद हुआ क्या, एक हाई लगाने के बाद फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया था, मैंने उसकी रिट्रेसमेंट चेक की थी कि आज का जो ओपन था जहाँ पे ओपन हुआ था और जो लो लगाया था, तो एग्जैक्टली उसने रिट्रेसमेंट जो की थी वो 61 का रिट्रेसमेंट का एरिया भी आ रहा था। जैसे ही उसने 61% की उसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी थी, ऊपर से रिजेक्शन आना चालू हो चुका था, ठीक है। वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ चुकी थी और उसने एक लो यहाँ पे फॉर्म किया था। लेकिन अभी ये लो भी हम कंफर्म मान नहीं सकते कि ये मतलब लो टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो उसके लिए आपको फिर से इंतज़ार करना होगा एक ट्रेंड का एंट्री लेने के लिए। अभी मुझे ये तो पता चल चुका था कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले 10 मिनट में एक लो बना चुकी है बैंक निफ्टी, और वो लो एग्जैक्टली हमारे जो सपोर्ट था मेजर सपोर्ट उसी के आसपास बनाया था या फिर एग्जैक्टली उसी लेवल पे बनाया था। ऊपर जाने के बाद जब वो फिर से रिवर्स हुई थी बैंक निफ्टी, तो उसने एक्चुअल में अगर नीचे जाना था आज ब्रेक डाउन करना था, तो उसको इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे लो बनाना चाहिए था, जो मतलब सुबह लो बनाया था 9:34 पे, उसके नीचे कहीं पे लो बनाना चाहिए था। लेकिन प्राइस एक्शन का यही बेनिफिट रहता है, वो आपको पहले पता चल जाता है कि आगे मतलब क्या होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे उसने ऊपर का एक लो फॉर्म कर दिया। अभी मुझे इंतज़ार था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, कि कहाँ पे मैं एग्जैक्टली एंट्री कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन मिल चुकी थी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के भी कोई नियम होते हैं दोस्तों। अभी आप मतलब ये भी बोल सकते हो कि फिर सर यहाँ पे भी तो रिवर्सल आया था, तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के जो नियम होते हैं, मतलब आपको जो हाई रहते हैं वो यहाँ पे मैच आपके होने चाहिए, वो मेरे यहाँ पे मैच नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर से मैंने इंतज़ार किया, फिर से यहाँ से ऊपर एक हाई हुआ, रिजेक्शन की कैंडल बनी, फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर इंतज़ार किया कि मेरी ट्रेंड लाइन जब कंप्लीट होगी तब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा हैमर, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा हैमर दिखाई दिया था, लेकिन अभी तक मैंने एंट्री नहीं करी थी, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक प्रॉपर ट्रेंड जब ब्रेकआउट होगा, मतलब एक ट्रेंड लाइन जब मेरी ब्रेक करेगी उस ट्रेंड को, तब मैं एंट्री लूँगा। तो इस वाली कैंडल का भी एक हाई लगा था और एग्जैक्टली इसी लेवल पे ये मेरे तीनों हाई मैच हो रहे थे, और इसके ऊपर जब वो जाएगा तभी भी मैंने तुरंत एंट्री नहीं की, क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो एक बार रैली आने के बाद वो रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। तो मैंने एग्जैक्टली 10:44 पे मतलब यहाँ पे मेरा ट्रेड लिया था। देखो अगर आप यहाँ पे, मैं अभी चार्ट को फिर से एक बार बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल ये वाले कैंडल पे, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद वो फिर से नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए उसी एरिया में, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो आपने यहाँ पे नीचे क्यों नहीं एंट्री की, क्योंकि देखो दोस्तों जब ये एक्चुअल में ब्रेकआउट हुआ था और ये रिटेस्ट करने आया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये और भी नीचे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर से एक हैमर मतलब एक रिजेक्शन दिखाई दी थी, तो इसी वाले कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली थी। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एंट्री किस टाइम पे की है। ये देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा होगा, 10:44:06 पे मैंने सेल की एंट्री करी है बैंक निफ्टी 21,200 की पुट की, और मेरा रेट मैंने लगाया था 124 रुपये का उस वक्त। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे आप टाइम देख सकते हो, 16 जुलाई 2020 है और 10:44 है। एग्जैक्टली वही कैंडल है जिस कैंडल पे मैंने एंट्री करी थी जहाँ पे मतलब ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग हुआ था।
उसके बाद हुआ ऐसे कि मतलब 124 पे मेरी एंट्री तो हो चुकी थी, तो बैंक निफ्टी और नीचे जाने लगी। तो अभी आता है यहाँ पे स्टॉप लॉस का एरिया, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। मेरा जो मेजर सपोर्ट था, ठीक है, उस सपोर्ट के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज देती है 1 मिनट की, तो मैं वहाँ पे अपना लॉस बुक करके ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो मैंने मेरे माइंड में आज के लिए तो ये जो मेजर सपोर्ट था उसका मैंने एसएल मेरे दिमाग में रख लिया था, अगर उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती तो मैं वहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाने वाला था। तो मेरी एंट्री करने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आई थी और एक हैमर जैसा यहाँ पे लो लगाया था, जो कि करीबन मतलब इस कैंडल के लो के नीचे का था, लेकिन उसने क्लोजिंग उसके अंदर ही फिर से दे दी थी। तो मुझे वहाँ पे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, और आप आगे देख सकते हो कि मतलब किस तरह से रैली आई है। उसके बाद 1 बजे फिर से एक बार मार्केट नीचे आई थी ये वाला एरिया, लेकिन मेरी एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी थी, तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये जो रैली हुई है इसकी करेक्शन करने ही यहाँ पे नीचे आया है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इसने वहाँ पे हैमर वाला ही लो लगाया और फिर से नया डे हाई पे बैंक निफ्टी चली गई थी। तो इतनी सिंपल स्ट्रेटेजीज, इतनी सिंपल प्राइस एक्शन के साथ आप अच्छे से काम कर सकते हैं दोस्तों। आपको ना ही कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ मतलब रॉकेट साइंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हो चुका है ऑलरेडी 12,325 रुपीज़ का। हमने सेल किया था 124 को और हमने कवर कर लिया उसको 0.75 में, तो ऑलमोस्ट हमें 123.25 पैसे का मुनाफा हुआ है। सो 123.25 इनटू हमें हमारी क्वांटिटी करनी होगी 100, तो देखो 12,325 रुपीज़ का हमें मुनाफा हुआ है। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 12,325 रुपीज़ का हमें मुनाफा हुआ है।